अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से अपन 80 कैसे निकाल सकते हैं। आज उसको अपन आगे बढ़ाते हैं, प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर को इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करते हैं। जो इरेशनल नंबर होता है उसकी इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके सामने कि रूट 5 प्रूव दैट स्क्वायर
5 divide
5 किसको डिवाइड कर रहा है यहां पे, b स्क्वायर को तो 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब यहां पे तो अपन ने देखा था a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था तो इधर पे आया था b स्क्वायर, और a को डिवाइड कर रहा था अपन ने क्या लिया था कि c रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ। तो यहां पे भी ऐसा करते हैं कि b को भी डिवाइड कर सकता था तो क्या लगा b / 5, और b को ये भी 5 डिवाइड करेगा तो इधर कुछ ना कुछ मान लो कि b है, ठीक है क्या आएगा इधर b आएगा। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5b, ये सेकंड कंडीशन है क्योंकि b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5b। अब अपने पास तो a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू अपने पास ना आई थी 5c, a की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 5c, तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5b। अब स्टार्टिंग में मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई थी a और b में क्या है, a और b में 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब क्या था कि जैसे 3/4, 3 कैसे बनता 9/12, इसको अपन ने 3 से कट किया था बना तो 3/4, इस टाइप के नंबर थे ये, और बी की टाइप के नंबर 3/4 जैसे। लेकिन यहां पे क्या आ रहा, दोनों में क्या बन आ रहा है, और बी ये को यहां पे लिखते तो 5c, दोनों में क्या बन आ रहा 5 को बना, और जो अपन मान के चले थे वो अपन ने मान के चले थे कि ये क्या रैशनल नंबर, और जो अपन मान के चले थे वैसा तो क्यों अपन मान देते थे कुछ कॉमन ही नहीं, तो लास्ट में क्या किया कुछ कॉमन, तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला अपना कि जो अपन ने माना था वो क्या है रूम रूट 5 इज रेशनल, जो अपन ने माना था वो क्या है रूम, तो रूट 5 इज, तो क्या आंसर लिखेंगे अपन रूट 5 इज जितने भी किसी का क्या इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे उसको इसी मेथड से प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, पहले रेशनल मान लेंगे, और रेशनल मान के लास्ट में उनमें कुछ ना कुछ दोनों में नंबर में कॉमन आ जाएगा, वो अपन जो मान के चले थे वैसा नहीं है तो वो क्या होगा फिर रेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, सेकंड एग्जांपल अगला देखो ना, क्वेश्चन थोड़ा इधर ले लो, पता है खाली जगह छूट गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 2 रूट 5 इज 3 रेशनल नंबर, ये आप लोगों को क्या करना क्या प्रूफ करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या करना है, सबसे पहले वही फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, मान लो कि रेशनल नंबर है, तो मान लिया क्या माना आपने ले 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है इज ए रेशनल नंबर, क्या मान लिया इसको अपन ने रेशनल नंबर मान लिया। अच्छा अब रेशनल नंबर है तो इसको अपन किस टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p / 2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू a / b, इसको आप p / 2 लिख सकते हैं, और p में क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, और a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर में, और b क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर 3 प्लस 2 है तो मैं इधर लेके आऊंगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू a / b - 3, क्या देखिए अपन ने कुछ भी नहीं निकाला था और लगा सकते हैं इधर क्या आपके पास में 2 रूट 5 इक्वल्स टू इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा b आएगा, अब b से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, a माइनस b से, b और b को a से डिवाइड किया उसके बाद b को b से मल्टीप्लाई किया क्या आया आपके पास में 3, 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या आपके पास में a माइनस 3b /
बी। अब यहाँ पर टू इसके मल्टीप्लाई में इसको आप आसान से तो टू इंटू टू फाइव, यहाँ पर टू इसके नंबर के मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पर डिवाइड करा सकता हूँ, तो क्या बनेगा रूट फाइव इक्वल्स टू ए माइनस थ्री बी अपॉन टू, क्या क्या बने रूट फाइव इक्वल्स टू ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन देखा बन गई, फ्रैक्शन इक्वल टू इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन टू बी माइनस थ्री बी अपॉन टू, क्या लिख सकते हैं इसको ए अपॉन टू बी माइनस थ्री बी अपॉन टू बी। अब इसके इक्वल में क्या है रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन टू बी माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, ये कैंसिल हो जाएगा बी से बी ए अपॉन टू बी माइनस थ्री अपॉन टू। तो अपन ये जानते हैं कि ए अपॉन टू बी क्या है फ्रैक्शन है, ए अपॉन टू बी एक फ्रैक्शन है और इनका डिनोमिनेटर भी क्या नहीं है जीरो नहीं है, और बी अपने अपन मानते चलते कि बी क्या नहीं है जीरो नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है। और जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है फ्रैक्शन नंबर होता है, अपन को ये क्या दिख रहा है फ्रैक्शनल नंबर, क्या दिख रहा है फ्रैक्शनल नंबर। अपन ने अभी जस्ट नेक्स्ट वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था इस बार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अब यदि इस टाइप का आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको कैसे सॉल्व करें, जैसे मानो कौन रूट एक छोटा सा एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे मानो कौन रूट आता है आपके पास इसको इरेशनल के रूप करने वैसे ये है क्या इरेशनल नंबर ही है इरेशनल नंबर तो क्या है कि ऊपर और नंबर नंबर है इसके अपॉन में क्या है इरेशनल का रूट टू क्या होता है इरेशनल नंबर होता है जैसे अपन ने क्या पढ़ा था आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है कि रूट टू इज फर्स्ट में क्या है रूट टू इज मतलब रूट टू क्या है कौन सा नंबर है, आपके ऑप्शन में क्या क्या है इंटीजर है रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है इंटीजर है सेकंड में क्या है रेशनल और सी में है आपके इरेशनल और डी भी क्या है नॉन ऑफ। अब क्या देखते हैं अपन कि रूट टू क्या होगा रूट के अंदर क्या है रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और रूट के अंदर क्या प्राइम नंबर दोनों चीज है ये दोनों चीज है तो ये कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर, क्या होगा ये इरेशनल नंबर। अब आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा होगा एक बार आप इसको ट्राई करो वीडियो को करते हैं यदि आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री इज वन अपॉन रूट थ्री किस टाइप का नंबर होगा तो देखो वन अपॉन अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है इरेशनल नंबर रूट थ्री क्या हो रहा है इरेशनल नंबर होगा रूट थ्री इरेशनल नंबर है रूट थ्री इरेशनल नंबर है तो ऊपर वाला क्या है नंबर इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन रूट थ्री भी क्या होगा इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा इरेशनल
आप भी समाधान नहीं देते, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब अपना आंसर देखो, क्या है क्वेश्चन? सेवन रूट थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है अपना, सेवन रूट थ्री प्लीज। सेवन रूट थ्री कौन सा नंबर है? तो अपन क्या देखते हैं, सेवन क्या आपके पास में, सेवन है आपके पास में रेशनल नंबर, सेवन क्या आपके पास में रेशनल नंबर, और रूट थ्री क्या होगा मल्टीप्लाई में ही रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, रेशनल नंबर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर फोर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। अब अपना आंसर नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फाइव माइनस रूट थ्री इज, इस टाइप का अपन ने प्रूफ किया था कि 5 माइनस रूट टू, फाइव अपने क्या है रेशनल नंबर, और रूट थ्री क्या ये रेशनल नंबर, और बीच में सिंपल इसका माइनस। तो रेशनल नंबर में से ये रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। आप क्वेश्चन नंबर फाइव एक बार ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन द डायमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये पाई कहां से आया आपके पास में, टू पाई आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का, और पाई आर स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया, और ये सर्कमफेरेंस का। अब टू पाई आर से अपन क्या निकाल सकते हैं कि यदि यहां पे पाई को नहीं रहने दो तो क्या बनेगा, पाई को नहीं करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे टू आर, और टू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब रेडियस का डबल, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता, मतलब अपॉन में क्या डायमीटर, ऊपर क्या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से अपन के पास में क्या आया पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 जा रहा है आगे, आगे हम रहा हो तो पाई की वैल्यू 22.7 है, तो अपन ने एडिट कर, तो 3.14 आ रहा है वो कौन सा नंबर है, 3.14 आपने पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, क्या है ये रेशनल नंबर, क्या है ये रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, 6 से को देखने से पहले कांसेप्ट समझते हैं, ये तो अभी 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया, यदि कंडीशन है ये रेशनल नंबर में अपन रेशनल नंबर में ये रेशनल नंबर ऐड करते हैं, रेशनल नंबर प्लस ये रेशनल नंबर, तो क्या बनेगा उसका, रेशनल नंबर बनेगा। सही, यदि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर, ये इसको आप आगे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो, इस नंबर टाइम हो रेशनल नंबर को यदि रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर। अब फोर्थ वाले में यदि आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड इसको इससे कैंसिल कर दिया मैंने,
आपका बच्चा रूट नाइन को रूट नाइन की वैल्यू क्या होगी, इस बार क्या सुन रहा है कॉलेज किया क्या होगा प्लेसमेंट तो मतलब नेशनल को अपॉन में एजुकेशनल नंबर आता है तो कंडीशन क्या है कि नेशनल भी हो सकता है और प्लेसमेंट भी हो सकता है इन तीनों में रिजल्ट आएगा नेशनल नंबर इसमें क्या नेशनल भी आ सकता और प्लेसमेंट भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 एससीएफ क्वेश्चन नंबर 6 एससीएफ
यही वाला क्या है आपके 0.737 ऑक्सो। अब ये क्या नंबर है इसको देखो रिपीट हो रहा है वाला नंबर क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे 737 ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है यहीं तक हो रहा है तो जो नंबर रिपीट होता है यहीं तक होता है तो उसको क्या होता है रेशनल नंबर ये क्या है ये रेशनल नंबर। अब यदि ये इतना सा होगा 0.73 तो अपन पॉइंट में आकर कोई नहीं कर देते 100 में। अब तो आप एग्जाम में आए तो आप इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे सपोज में ये मान के इस टाइप से क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा होगा इसी तरह से प्रकार कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 1 2 1 2 वापस कितने डिजिट रिपीट हो गए 2 डिजिट रिपीट हो गए तो आप इसको सीधा लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 73 अपॉन जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने अकाउंट में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 9 तो क्या बन जाएगा 73 और 99। यदि ऐसा हो 0.7698 इस टाइप का रिपीटेशन तो यहाँ पर जितने डिजिट रिपीट हो रहे 1 2 3 4 वापस से 1 2 3 तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो अकाउंट में जितने 9 रहेंगे यहाँ पर 4 9 रहेंगे ठीक है जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने अकाउंट में क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। इसके लिए है 0.1 के बाद में यदि नंबर रिपीट हो रहा है उसके लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 पी इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी पी क्या है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी पी क्या अपने पास में पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है और रूट क्या है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अब मतलब कि आपको पिछला टेस्ट बुक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको बताया था कि यदि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए रूट के अंदर प्राइम इंटीजर आ जाए तो वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपके पास में LCM of 3 numbers. क्या क्या नंबर है 28, 44, 130, 130. अब इनका LCM निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन यहाँ पे वही तो अपन कर सकते हैं इसमें से 28, 44, 130 उनसे डिवाइड होगा आपको किस नंबर से डिवाइड होगा इसे करेंगे फिर इन सबको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको छोटी क्लास में क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पी बी अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए इज ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर ए अपने पास में क्या है पॉजिटिव इंटीजर है एंड पी भी है प्राइम नंबर पी क्या है प्राइम नंबर पी अपने पास में क्या है प्राइम नंबर है और पी किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को पी किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा तो इसमें से आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा ये आपको बताना है। तो ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है पॉजिटिव कंप्लीट में तो क्या कर सकते हैं उल्टा कर सकते हैं और पावर नहीं करेगा ठीक है। तो
उसे मैसेज करो क्या बन रहा है 64 पावर ऑफ 2 यहां पे 3 और जो यहां पे पावर ऑफ 2 उसको ऊपर जाती है क्या लिख सकते हैं इसको 64 की पावर कितने पे जैसे 2 है और ये वाला की जो ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा पावर ऑफ 3 अब इसको हम क्या लिखेंगे 64 ये तो पावर आपस में पर कितना ही होगी क्या होगा ए की पावर n है तो 1 को n है तो क्या बन जाता है की पावर n को n बन जाता है तो इसके लिए क्या होगा 64 का पावर जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 3 क्या बन गया 2 अपॉन 3 अब 64 को अपन क्या लिख सकते हैं 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 की पावर 3 4 का 2 बटा 64 तो मैंने इसको लिखा 4 की पावर 3 और 2 अपॉन 3 अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 की पावर कितना है 3 * 2 अपॉन 3 तो ये 3 से 3 कैंसिल और की पावर टू क्या होता है 16 तो आंसर क्या होगा इसका राइट 16 क्वेश्चन नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 एक बार आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ए की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 ए प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 2 माइनस 2 बी की वैल्यू क्या गिवन है 2 माइनस 2 3 और 2 प्लस 2 3 अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस b की a की वैल्यू 2 प्लस 2 3 और b अपॉन 2 माइनस 2 3 और b की वैल्यू क्या है तो मैंने अपने को कहूंगा जोड़ करना दोनों का सम करना ठीक है तो करते हैं a प्लस b और पहले a की वैल्यू पुट करते हैं मैं यहां पे a की वैल्यू पुट करता हूं अब आप लोग प्लस करते हैं हमारी क्या लगेगी प्लस करें ओ ये अपने बी की वैल्यू यहाँ पे अब यदि अपने पास एक फ्रैक्शन होता तो भी जैसे ये हो गया अपने कौन कौन नाइन कौन है इस टाइप का कुछ फ्रैक्शन होता तो अपन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो ऐड करते हैं तो सेम है इन दोनों नंबर का अपन एलसीएम लेंगे इसका और इसका ये दोनों अलग अलग होंगे एक को प्लस एक को माइनस तो दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपने एक फॉर्मूला बनाओ ना आइडेंटिटी a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही होता है यहाँ पे a का आपके पास में 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 4 माइनस 3 क्या होगा 1 तो फोर में क्या आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है
क्वेश्चन नंबर 15 है x की वैल्यू देखो क्वेश्चन 0.16 पे बार और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है x x की वैल्यू देखो क्या 0.16 पे बार और 3x की वैल्यू क्या आपके पास फाइंड करना है तो देखो अपना भी आपको समझा दें पॉइंट के बाद ये बार है कितने नंबर पे बार को डिजिट पे बार को इसको करने से क्या आ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके पास है 3/5 पावर कितनी इसकी 2x - 3 = 5/3 पावर कितनी x - 3 और वैल्यू इसकी कौन करनी है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी क्वेश्चन नंबर 16 अब यहाँ पर देखो कि 3/5 है और यहाँ पे क्या 5/3 तो अपन पहले इनका बेस सेम होना चाहिए तो इसका बेस सेम करने के लिए इसको उल्टा कर दिया 3/5 और 2x - 3 तो इसको मैंने 3/5 लिखा तो पावर क्या हो जाएगी इसको हो जाएगी अभी जो अपन ने पहले किया था तो एन वाला फॉर्मूला लगा किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x - 3 अब तो क्या बन जाएगा 3/5 और 2x - 3 3/5 माइनस से मल्टीप्लाई करके तो -x + 3 अब देखो बेस सेम है दोनों के बेस सेम है तो अपन पावर को इक्वल पुट कर देंगे तो 2x - 3 - x - x + 3 अब इस माइनस एक्स को इधर ले जा रही तो प्लस एक्स हो जाएगा इस थ्री को उधर लेके जाएंगे तो +3 + 3 कितना हो जाएगा 6 क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपके पास में द प्रोडक्ट ऑफ 4√6 4√6 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 4√6 को 3 × √24 अब 4 को 3 से अपन सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये रूट में नहीं है तो 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया अब √6 इसको क्या लिख सकते हैं अपन इसको मैंने लिखा √6 × √24 क्यों 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाएगा अब 4 भी है 12 रूट 6 को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 और रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर अपने पास में 2 अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई तो क्या बना 144 अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 एक बार आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 x की वैल्यू अपने को गिवन है अब नाम कर मैच करो x की वैल्यू क्या है 7 + 4 √3
एक्स की वैल्यू है आपके पास में 7 प्लस 4 रूपी और आपको वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन एक्स स्क्वायर। अब हमें कौन सा करें कि यदि आपको एक्स प्लस वाई दे रहा हो उसका होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास में। अब यदि ऐसा हो एक्स प्लस वन ऑन एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, पहले ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, फिर टू ए ये वाला क्या है बी और यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या बचा ये कैंसिल हो गया वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करके ओनली टू बचा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टू को मैं क्या करूंगा इधर लेकर आ जाऊंगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना है ये काम, ठीक है। अब अपने पास में एक्स की वैल्यू फाइंड है तो मैंने यहां पे एक्स प्लस फोर रूट टू ये किसकी वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू प्लस वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स कितना है सेवन प्लस फोर रूट टू, ठीक है। अब यहाँ पे सेवन प्लस फोर रूट थ्री है इसको अपन सॉल्व करते हैं अलग से, इसको ऐसा तो नहीं है क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रैशनलाइजेशन करना होता है, तो इसको मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, तो कैसे करेंगे और अपॉन सेवन प्लस फोर रूट थ्री, यहाँ पर बीच में क्या है प्लस आ रहा है ऊपर नीचे माइनस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फोर रूट थ्री सेवन माइनस फोर रूट थ्री, ऊपर रहेगा सेवन माइनस फोर रूट थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा a plus b, a minus b, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 into root, तो कितना होगा 48, 49 minus 48 हो जाएगा 1, और 7 minus 4 root 3, अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे अपने पास में, 7 minus 4 root, 7 plus 4 root 3, plus, इधर क्या बन जाएगी, 7 माइनस 4 रूट 3, अब ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास में है x, यदि अपने x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, और इसको अपन करना है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट, इसकी वैल्यू अपने पास में ये x की वैल्यू ये वाली और अपॉन x की वैल्यू, और उसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल, अब क्या होता है 7 और 7 14 होगा, 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर होता है 196। अब अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 196, और उसमें से अपन 2 माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 196 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या बचा था आपके पास में 194, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 194। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, अब अपना आंसर मैं चुनूं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 16 इनटू क्या आपके पास में 16 इंटू 10 की पावर कितना मिल गया अपने को n प्लस 2, n प्लस 2 की पावर में आया आपने 2 की पावर n, तो वैल्यू फाइंड करनी है अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बेस कितना अपना 2, उधर भी तो पावर सब बेस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होता, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में क्या आया प्लस 2, इधर क्या है 2 की पावर n, अब सब जगह 2 हो गया, सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेस से कट का करना है, बेस से कर दे, अब पावर यहां पे क्या होगी 8 होगी, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा यहां पे 2 की पावर 3 को n से मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस 6, इधर क्या है 2 की पावर 4, इधर क्या है 2 की पावर 4, बेस से ले तो पावर आपस में क्या होगी 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 4 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर
तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।